परमेश्वर का वचन कहता है हव्वा और आदम को परमेश्वर ने कहा यदि तुम मेरी आज्ञा का उल्लंघन करोगे, यदि तुम, मैंने तुम्हारे सामने दो रास्ते खड़े किए हैं और वो रास्ता है कि चाहे तो तुम इस फल को खा लो और चाहे ना खाओ। यदि तुम इस फल को खाओगे तो तुम्हारे पास से सारा अधिकार चला जाएगा, यदि तुम इस फल को खाओगे तो तुम्हारे पास से सारी ब्लेसिंग्स चली जाएंगी, तुम जीरो हो जाओगे, तुम्हारी लाइफ के अंदर कभी भी ब्लेसिंग्स काम नहीं कर पाएंगी। परमेश्वर उनसे कह रहे थे कि तुम्हें मेरी इस आज्ञा का पालन करना है। अब इस वक्त आदम और हवा के पास दो रास्ते थे, पहला रास्ता था परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना, दूसरा रास्ता था परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करना। लेकिन अफसोस, दुख की बात है कि आदम और हवा परमेश्वर को साक्षात देख चुके थे, आदम और हवा परमेश्वर को जानते थे कि इसी ने हमें बनाया है, आदम और हवा को अच्छी तरह मालूम था कि ये हमारा क्रिएटर है, ये हमारा बनाने वाला है, लेकिन उसके बावजूद भी वो सही निर्णय नहीं ले पाए, उसके बावजूद भी वो सही डिसीजन नहीं ले पाए। आज आपको इस सर्वन से गौर करना है कि क्या आपके बीच में भी ऐसे लोग हैं जिन्हें मालूम है यीशु ही परमेश्वर है, जिन्हें मालूम है यीशु ही एकमात्र ऐसा डॉक्टर है जो हर एक बीमारी का इलाज करता है। आप में से बहुत से लोगों को इस बात के बारे में नॉलेज है क्योंकि आप लगातार बहुत समय से बाइबल को पढ़ रहे हैं और सुन रहे हैं, लेकिन आप में बहुत से लोग ऐसे हैं जो निर्णय नहीं ले पा रहे, जिन्हें मालूम है यीशु ही परमेश्वर है, जिन्हें मालूम है यीशु ही उद्धार करता है, जिन्हें मालूम है यीशु ही मुक्ति दाता है, जिन्हें मालूम है यीशु एक मात्र रास्ता है जो हमें अपने स्वर्ग तक पहुंचाने की सामर्थ्य रखता है, लेकिन फिर भी हम निर्णय नहीं ले पाते। बाइबल कहती है हव्वा सही निर्णय ना लेने के कारण हम सबको फंसा कर चली गई, हम सब फंस गए, लेकिन एक व्यक्ति के सही निर्णय ना लेने के कारण, किस किस को यह बात समझ आ रही है? मैं चाहता हूं आपको समझ आनी चाहिए, यदि समझ नहीं आएगी तो आप मेरी बात को फॉलो नहीं कर पाएंगे। ध्यान से सुनिएगा, अभिलाषा, एक अभिलाषा ने हव्वा को सही निर्णय लेने से रोक दिया। एक अभिलाषा आपके जीवन के अंदर आकर आपको पीछे की ओर धकेल सकती है, आपको आगे बढ़ने नहीं देगी। हाँ, अगर हम इसराइलियों को देखें, 40 दिन का रास्ता 40 साल लग गए, कारण निर्णय नहीं ले पा रहे थे कि हम परमेश्वर मूसा के परमेश्वर की उपासना करें या अपने मटेरियल की उपासना करें, निर्णय नहीं ले पा रहे थे, इसलिए 40 दिन के रास्ते को उनको 40 साल लग गए। 40 साल तक वो जंगल में ही चलते रहे, एक ही जगह राउंड लगाते रहे। आपने कई बार देखा होगा जिम के अंदर एक्सरसाइज करने के लिए एक मशीन रखी होती है और उसकी आप स्पीड बढ़ाते रहिए, कितनी भी स्पीड बढ़ा दीजिए आप एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाएंगे, बल्कि आप उसी मशीन के ऊपर दौड़ते रहेंगे। आप रनिंग कर सकते हैं, वॉकिंग कर सकते हैं, परंतु आप एक जगह से अलग जगह पर जा नहीं सकते, आपको पसीना आ जाएगा, आप पसीने से लथपथ हो जाएंगे, कोई दूसरा व्यक्ति देखे आपको, अगर मशीन ना आप उसको दिखाएं और आप कहीं और खड़े हो जाएं और उसको अपने पसीने को दिखाएं तो वो व्यक्ति कहेगा क्या आप बहुत दूर से चलकर आए हैं, वाह आपके बहुत पसीना है, और आप अगर उसे कहेंगे नहीं मैं तो एक ही जगह दौड़ता रहा मुझे पसीना आ रहा था। ऐसा ही कुछ इसराइलियों के साथ हुआ,
इज़राइली एक ही जगह पर दौड़ते रहे, एक ही जगह पर चलते रहे, और वो थक गए, परेशान हो गए, लेकिन वहां नहीं पहुंच पाए जहां उन्हें पहुंचना था। आज बहुत से मसीही लोग हैं जो मसीहत में चल रहे हैं, जीवन व्यतीत कर रहे हैं, प्रार्थना में समय व्यतीत करते हैं, लेकिन बाइबल में ना चलने के कारण, परमेश्वर के वचनों के मुताबिक जीवन व्यतीत ना करने के कारण वो वही हैं, वो आगे नहीं बढ़े अभी तक। उन्हें लगता है हम आगे बढ़ चुके हैं, उन्हें लगता है हमें 4 साल प्रभु में हो गए हैं, उन्हें लगता है हमें 5 साल प्रभु में हो गए, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, वो वही हैं। आज आप गौर कीजिए, क्या आप भी हवा की तरह तो नहीं कि आप भी निर्णय नहीं ले पा रहे हैं? बाइबल कहती है, परमेश्वर ने कहा, यदि तुम गलत निर्णय लोगे तो तुम मर जाओगे। ये परमेश्वर ने हवा और आदम से कहा, यदि तुम गलत डिसीजन लोगे तो तुम मर जाओगे, जियोगे नहीं। और ये बात जब हवा ने नहीं मानी तो वो मर गए, और उसके बाद जितने भी लोग हवा और आदम से पैदा हुए, ईव और एडम से पैदा हुए, वो सब पापी पैदा हुए, वो सब उसी डिसीजन के कारण फंस गए। मनुष्य का पाप के कारण स्वभाव गलत चुनाव करने के कारण हुआ, मनुष्य का स्वभाव पाप के जैसा हो गया, पाप के कारण उसका स्वभाव बदल गया। दाऊद कहता है, पाप में मेरी मां ने मुझे जन्म दिया, मेरी मां पाप में थी और मुझे जन्म दिया। कौन कहता है? दाऊद कहता है, पाप में मेरी मां ने मुझे कंसीव किया। ये दाऊद की वर्डिंग है, ये वो व्यक्ति कह रहा है जैसे 7 बार परमेश्वर की आराधना करता था। सोचकर देखिए, शुरू से ही ये बीज मनुष्य के अंदर है, शुरू से ही पाप का बीज आदमी के अंदर है, औरत के अंदर है, बच्चे के अंदर है। जैसे वो अपनी मां के कोख से बाहर आता है, जब तक वो छोटा रहता है वो पाप नहीं करता, लेकिन जैसे वो बड़ा होता है, झूठ का कोई स्कूल नहीं है लेकिन झूठ बोलना शुरू कर देता है, गाली देने का कोई स्कूल नहीं है लेकिन उसके मुंह से गालियां निकलनी शुरू हो जाती हैं, चोरी करने का अभी तक कोई स्कूल नहीं है जहां पर चोरियां करने वालों को ट्रेंड किया जाता हो, समझ पा रहे हैं, लेकिन फिर भी बच्चा घर से या बाहर से चोरियां करना सीख जाता है। उसका कारण क्या है? दाऊद जी बहुत अच्छी बात करें, मैं अपनी मां की कोख में पाप से कंसीव किया गया और पैदा भी पाप से हुआ। इस संसार के अंदर प्रत्येक व्यक्ति सोचता है कि मैं पाप क्यों कर रहा हूं, पाप करना नहीं चाहता लेकिन हो जाता है। उसका कारण है अभिलाषा। यदि आप अभिलाषा को समझ गए तो मैं आज आपको बोलना चाहता हूं, आप पाप छोड़ देंगे। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। ध्यान से सुनिएगा, आगे चलेंगे। हम पाप में पैदा होते हैं, हम पाप का चुनाव करते हैं, फिर पाप में जीवन व्यतीत करते हैं। आज संसार के अंदर ये तीनों काम हो रहे हैं। नंबर 1, पाप में पैदा होते हैं, पाप का चुनाव करते हैं और पाप में जीवन व्यतीत करते हैं। क्यों पाप में जीवन व्यतीत करते हैं? क्योंकि पाप से पैदा हुए हैं। लेकिन अगर आप और आगे जाएं तो बाइबल कहती है, हम सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से अलग हो गए, हम सब ने पाप किया और अभिलाषाओं के देवता की पूजा करते हैं। आज बहुत से लोगों ने अभिलाषाओं को गॉड बना दिया,
अभिलाषा उन्हें परेशान करती है, अभिलाषा उनके शरीर के अंदर लड़ती भिड़ती है, अभिलाषा उन्हें प्रेशर देती है और कहती है बाइबल से बाहर आ। अभिलाषा उनसे कहती है ठीक है तुमने अच्छा संदेश सुना संडे को, लेकिन इस संदेश से बाहर आ जाओ। अभिलाषा आपसे बात करती है, अभिलाषा आपको परमेश्वर से दूर करती है। अभिलाषा ने ही ईव को पाप करने के लिए, आज्ञा का उल्लंघन करने के लिए तैयार किया। अभिलाषा, आप एक नोट को लगातार देखते रहिए, लगातार देखते रहिए। यदि आप नोट को देखकर अपनी अभिलाषाओं को याद करेंगे कौन कौन सी अभिलाषा उस नोट से पूरी हो सकती है, तो आप उसे चोरी करेंगे, क्योंकि अभिलाषा गर्भवती होती है और पाप को जन्म देती है। सेम काम हव्वा के साथ हुआ। जब आप लगातार, आज के समय में बहुत से जवान लड़के लड़कियां लगातार एक बार ब्लू फिल्म देखते हैं और उसके बाद अगर उन्होंने नहीं देखा तो वो अभिलाषा के अंदर नहीं होते, लेकिन यदि उन्होंने फिर से देखा, चलो आज थोड़ा सा और देख लेता हूं, चलो कई दिन हो गए, कई महीने हो गए देखा नहीं, चलो आज थोड़ा सा देख लेता हूं, और जैसे वो थोड़ा थोड़ा देखता है अभिलाषा उसके ऊपर हावी हो जाती है। अभिलाषा प्रेग्नेंट हो जाती है, अभिलाषा कंसीव करती है और पाप को जन्म देती है, और फिर पाप गर्भवती होता है और वो श्राप को यानी बीमारियों को यानी आपकी मौत को लेकर आता है। मेरा पूरा विश्वास है कि आज का ये वचन आपको अंदर से बदलेगा। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। आदम और हवा ने गलत चुनाव किया, आप गलत चुनाव मत कीजिए। यदि आदम और हवा गलत चुनाव करते हैं और आप गलत चुनाव करते हैं तो आप में और आदम और हवा में कोई फर्क नहीं है, अभी तक आप दंड से आजाद नहीं हुए हैं। बाइबल परमेश्वर का वचन कहता, मैं तुम्हें कहता हूं तुम्हारे पास दो रास्ते, एक संकरा और एक चौड़ा, तुम्हें कौन से रास्ते पर चलना है वो तुम्हें निर्णय करना है, वो आप निर्णय करेंगे। आपको किसी व्यक्ति ने अनाउंसमेंट की कि आज फलानी जगह पर फलाना रोड ब्लॉक है, परंतु फलाना रोड खुला है, आप उससे जाइए, लेकिन आप फिर भी चेक करने जाते हैं, देखें बंद है या नहीं, शायद खुला हो, क्योंकि वो शॉर्टकट है और आप वहां जाते हैं, वहां फंस जाते हैं, और मालूम आपको पता लगता है कि आज मेरा पूरा दिन और पूरी रात यहीं बितानी पड़ेगी, क्योंकि पीछे गाड़ियां और आगे गाड़ियां। आज पवित्र आत्मा आपको कह देना चाहता है, ध्यान से सुनिएगा, आज आपका गवाही सुनना इतना मायने नहीं है जितना कि आपका ये वचन सुनना मायने है। प्रेज द लॉर्ड। को समझ पा रहे हैं, गवाही जो है वो परमेश्वर की महिमा लेकर आती है, सत्य है, लेकिन वचन जो है वो बदलाव लेकर आता है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। मुझे एक पास्टर की कॉल आई, पास्टर मुझे बोलता है कि आप लगातार सर्मन में बोल रहे हैं कुछ दिन से कि आपको अनसब्सक्राइब किया जा रहा है, आपको बहुत से लोग अनसब्सक्राइब कर रहे हैं क्योंकि ये पाप का प्रचार करता है, क्योंकि ये पाप के विषय में बता रहा है, इसको अनसब्सक्राइब करो। जी मैंने कहा, तो उन्होंने कहा सर ये गलत साबित हो रहा है। मैंने बोला वो कैसे? लोग आपको ज्यादा सब्सक्राइब कर रहे हैं। वो सब्सक्राइब, एक व्यक्ति अनसब्सक्राइब करता है तो 100 सब्सक्राइब कर रहे हैं। इसका कारण सिर्फ ये है, लोग पाप कर करके थक चुके हैं, अब वो पवित्रता को जानना चाहते हैं। आमीन। लंदन के अंदर एक बहन मुझे बताती है कि विनोद प्रोचिया के नाम से एक FIR दर्ज करवाई गई और कहा गया कि ये क्या चक्कर है ऑनलाइन बैंकिंग में हर जगह विनोद प्रोचिया, विनोद प्रोचिया, विनोद प्रोचिया। हु इज विनोद प्रोचिया, कौन है ये? वो बहन चुप थी। उन्होंने बोला सर मेरी तो ट्रांजेक्शन थोड़ी कम है,
और बाकी को ना हमें मालूम नहीं। उन्होंने बोला यही तो हमें समझ नहीं आ रहा, जहां देखो वहां वहां विनोद प्रोचिया विनोद प्रोचिया, ये कौन है, हु इज। और वो बहन क्या कहती है, मुझे दुख भी हो रहा था लेकिन अंदर ही अंदर हंस भी रही थी, एक नाम यीशु को प्रमोट करता हुआ आगे बढ़ रहा है। प्रेज द लॉर्ड। लगातार मेरे विरुद्ध में षड्यंत्र रचे जा रहे हैं कि इसको रोको, इसको रोको, ये यीशु के बारे में लोगों को बता रहा है, केवल यीशु के बारे में, ये तेल का प्रचार नहीं करता, ये पानी का प्रचार नहीं करता, रुमाल का प्रचार नहीं करता, व्हाई, क्यों नहीं करता ये, इसको बोलो ये करे। लेकिन मैं आज आपको बोल देना चाहता हूं, अगला प्रचारक उसका नाम विनोद प्रोचिया है, और ये रुकने वाला नहीं, ये बढ़ेगा, इसको रोकने के लिए सिर्फ मौत ही है, उसके सिवाय और कोई रास्ता नहीं है। लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर ने मुझसे वायदा किया, मैं पिछले दिनों में परमेश्वर से कह रहा था, प्रभु मैं अनाउंसमेंट कर चुका हूं कि मेरी उम्र थोड़ी है, परमेश्वर ने मुझे बोला मैंने सुना है और तेरी इस अनाउंसमेंट को सुनकर मैंने अपने पिता से डिस्कस किया, तेरी आयु को लंबा कर दिया। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। पवित्र आत्मा मुझे बोलता है, वाह यार बड़ा अच्छा तरीका है तेरे पास उम्र को लंबा करवाने का। मैंने पवित्र आत्मा को बोला कि आप मेरे दोस्त हैं, आप मेरे फ्रेंड हैं, आप ही नहीं तो सिखाया, आप मेरे सहायक हैं, आप मेरे मददगार हैं, आपने मुझे सिखाया कि कैसे आयु को लंबा करवाना है। आमेन। ध्यान से सुनिएगा, आज आपको निर्णय लेना होगा, एक डिसीजन लीजिए, डिसीजन, निर्णय। मैं क्यों बार बार निर्णय, बार बार निर्णय, बार बार निर्णय, क्योंकि यीशु बस रास्ते में ही है, आ रहे हैं वो हमारी ओर, लगातार बढ़ रहे हैं। मैं आपको स्वप्न नहीं दिखा रहा, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं, मैंने अपनी आंखों से यीशु के आगमन को आते हुए देख लिया है। और यदि आप मुझे चरवाहा समझकर मेरी बात पर विश्वास करते हैं, तो अगर आप ये कहेंगे नहीं मैं भी देखूंगा आगमन कब होगा कैसे होगा, तो ध्यान से सुनिएगा, फिर परमेश्वर मुझे क्यों दिखाता। प्रेज द लॉर्ड। नहीं तो मैं भी कथा कहानियां सुनाता और इधर उधर के चुटकले मारता, आपको हंसाता, मजाक उड़ाता और कहता जय मसीह की, मेरा टाइम पूरा हो गया, मैं जा रहा हूं। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, यीशु ने हमें कुछ करने के लिए चुना है। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन आपको निर्णय लेना है, अगर आप सही निर्णय ले पाते हैं, अगर आप परमेश्वर को सुन पाते हैं, अगर आप ये कहते हैं कि हाँ हमारा परमेश्वर बोलता है, देखता है, हमें आवाज देता है, तो वो जिंदा है। और यदि आपको उसकी आवाज़ नहीं आती, यदि आप उसको देख नहीं पाते, यदि आप उसे महसूस नहीं कर पाते, तो ध्यान से सुनिएगा, दोनों में से एक व्यक्ति मरा हुआ है। जो महसूस होता है वो जीवित है और वो यीशु है। और यदि आपको यीशु महसूस नहीं हो रहा तो आप मरे हुए हैं, और यदि आपको महसूस हो रहा है तो समझ जाइए यीशु जो जिंदा हो गया था उसने हमें जिंदा कर दिया है, इसलिए वो महसूस हो रहा है। आमेन। एक दूसरे से बोलिए, जिस व्यक्ति, जिस यीशु के बारे में हम सुन रहे वो जीवित है। एक बार फिर से बोलिए, जिस यीशु को आज हम सुन रहे हैं वो हमारे बीच में काम कर रहा है। आमेन। हालेलुया। आपको भी चुनाव करना है, आपको भी एक निर्णय लेना है, आपको भी इंग्लिश में बोले तो डिसीजन लेना है। और यदि आप डिसीजन ले पाए तो मैं आज आपको बोल देना चाहता हूं कि आपका अंत हवा के जैसा नहीं होगा, आदम के जैसा नहीं होगा, आपका अंत यीशु के जैसा होगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। राबा शिखा ला बुरा राबा खान ना बुरा बत्त नरी बे खाने शिखा ना बुरा।
जो स्क्रीन पर देख रहे हैं, मेरी बात पर विश्वास कीजिए, मैं झूठा नहीं हूं, क्योंकि मेरे पिता का नाम यीशु है और वह सत्य है। वो सच बोलता है और सच प्रकट करता है और सच आगे बढ़ाता और बढ़ाता जा रहा है। यहोशू के पास बहुत सारे चुनाव थे। यहोशू के पास चुनाव था कि मैं लोगों की सेवा करूं या परमेश्वर की। यहोशू के पास चुनाव था कि लोग मेरे साथ सेवा करेंगे और यदि नहीं करेंगे तो मैं क्या करूंगा। और यहोशू ने कहा, कोई तुम में से कोई मेरा साथ दे या ना दे, मैं और मेरा परिवार परमेश्वर की सेवा करते रहेंगे। धनी व्यक्ति के पास चुनाव था। धनी व्यक्ति ने आकर यीशु से कहा, प्रभु यीशु, मैं उद्धार पाने के लिए क्या करूं। प्रभु यीशु ने कहा, अपना सारा धन कंगालों को बांट दे। प्रभु यीशु के कहने का मतलब क्या था? अपनी अभिलाषाओं को छोड़ दे। धन जो है वो अभिलाषाएं पैदा करता है। मैं आज एक जवान व्यक्ति से पूछ रहा था, वो मेरे साथ पिछले काफी दिनों से मेरी बगल की सीट पर लेफ्ट हैंड पर बैठा होता है। अक्सर वो मुझसे बात करता, वो मुझसे सवाल पूछता, मैं उससे सवाल पूछता, और वो मुझे कह रहा कि अपोस्तल जी, मैं बाहर जाने से पहले बहुत कुछ आपसे सीखना चाहता हूँ। मैंने एक दिन उससे सवाल पूछा, क्या आप मेरे साथ रहकर कुछ सीख पा रहे हैं? उन्होंने बोला, मैं बहुत कुछ सीख पा रहा हूँ। प्रेज द लॉर्ड। आज मैं उससे सवाल पूछ रहा था कि कौन सी आत्मा सबसे ज़्यादा संसार में काम करती है। तो उस व्यक्ति ने बोला कि जो गुमराह करती है, गुमराह करने वाली स्पिरिट। मैंने बोला, आप सही कह रहे हैं, लेकिन मैं जो कह रहा हूं वो भी वही है और दोनों एक जैसे हैं। अभिलाषा, अभिलाषा की स्पिरिट लगातार काम कर रही है। लोग आशीषों के चक्कर में सोचते हैं, यहां नहीं तो वहां, वहां नहीं तो वहां, और वो सारी आशीषों से वंचित रह जाते हैं। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, यदि आपने कंपनी में 4 साल काम किया और आपने बड़े विश्वास योग्यता को 4 साल में प्रकट किया, और एक समय आता कि आप उसको फैक्ट्री को छोड़ देना चाहते हैं और आपको और कोई कंपनी मिल गई है, फैक्ट्री मिल गई है, उस फैक्ट्री में आपको पैसे ज्यादा दिए जा रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल है आपसे, क्या आप 4 साल का विश्वास उस फैक्ट्री में लेकर जा सकते हैं? क्या आप 4 साल जो आपने मेहनत की, दिन रात एक किया, आपने क्या आप उस विश्वास योग्यता को आप उस फैक्ट्री के अंदर लेकर प्रवेश कर पाएंगे, एंटर कर पाएंगे? क्या आप फैक्ट्री के मालिक को कह सकते हैं, सर आप मुझे 4 साल से जानते हैं, यदि आपको फैक्ट्री के मालिक ने डांट दिया तो क्या आप कह पाएंगे, आप मुझे 4 साल से जानते हैं, क्या मैं ऐसा हूं? नहीं, आपको फिर से 4 साल मेहनत करनी पड़ेगी। समझ पा रहे हैं? मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, यीशु आपको यहां लेकर आया, आमेन। और जब वो आपको यहां लेकर आया है, 2 साल आपने पूरी विश्वास योग्यता से यहां चलने की प्रैक्टिस, हो सकता है आपने 2 महीने यहां चलने की प्रैक्टिस की, लेकिन मैं आज आपको बोल देना चाहता हूं, यदि आपसे पूछा जाए आप कितने समय के विश्वासी हैं, तो आप कहेंगे, हम आपके चर्च के 2 महीने के विश्वासी हैं। आपके अंदर दलेरी होगी, आपके अंदर हियाब होगा, आमेन। पिछले समय में मैं यहां से जब निकल रहा था तो मैंने एक विश्व परिवार से पूछा, अच्छा आप कब से मुझे देख रहे हैं? तो वो पास्टर था और उसने बोला, मैं पास्टर हूं, मैं 2018 से आपको देख रहा हूं। और जैसे उसने 2018 बोला तो मेरा दिल उसकी ओर खिंच गया, वो मेरी ओर खिंच गया, लेकिन वो नीचे गिर गया, वो मुझे छू तक ना पाया और सामर्थ उस पर उतर आई। प्रेज द लॉर्ड। और व्यक्ति सामर्थ से भर गया और वो पास्टर जोर जोर से चिल्लाने लगा, परमेश्वर की सामर्थ मुझ पर उतर रही है, ओ आपके अंदर से कुछ मेरे ऊपर उतर रहा है, मैं परमेश्वर की सामर्थ से भर रहा हूं। कारण क्या था? कारण था वो 2018 से मुझे सुन रहा है। आमेन। यदि आप आज ही मुझे सुनने लगे हैं तो आप ये सामर्थ्य रिसीव नहीं कर सकते, लेकिन यदि आप लगातार मुझे सुन रहे हैं, मेरे अंदर से निकलने वाले वचनों को लगातार सुन रहे हैं, तो यीशु आपको कुछ नया देगा। आमेन।
सोचिए, क्या वो व्यक्ति अगर किसी और जगह जाता जिसको वो 2018 से नहीं देखता, क्या वो बोल सकता था दलेरी से, मैं आपको इतने साल से सुनता हूं? हाय, आज मैं एक और गवाही सुन रहा था। कोई भाई है सेक्टर 39 में रहता है और एक बहन उसके बारे में गवाही देती है और वो कहती है, मैंने उनसे कहा कि भैया आप इतनी दूर जाते हैं, आपको बहुत दूर लगता है क्योंकि आपकी मम्मी ऑब्जेक्शन करती है, आपके परिवार के लोग ऑब्जेक्शन करते हैं, आप किसी नज़दीक के चर्च में क्यों नहीं चले जाते? और वो व्यक्ति कहता है, नहीं नहीं, मैं वहीं जाऊंगा, चाहे एक हफ्ता लेट हो जाऊं लेकिन जाऊंगा वहीं, क्योंकि मुझे वहां से आत्मिक उन्नति मिली है। प्रेज लॉर्ड। मैं कहता हूं अगर वो व्यक्ति कहता मुझे वहां से चंगाई मिली है तो मुझे इतनी खुशी ना होती, लेकिन उस व्यक्ति ने कहा कि मुझे आत्मिक उन्नति मिली है। वो चंगा भी हुआ है लेकिन उसने कहा मुझे आत्मिक उन्नति मिली है। आमेन। और आपको चंगाई स्वर्ग तक नहीं लेकर जाएगी, आपको और कोई चमत्कार, आपने गाड़ी खरीदी, बंगला खरीदा, आप स्वर्ग तक नहीं जा सकते, लेकिन यदि आपके साथ आत्मिक उन्नति का मिरेकल हुआ है, आप स्वर्ग जा सकते हैं।